समुद्र का नजारा भाई साहब, इतना ही खतरनाक जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जा रहे हैं बीच की तरफ घूमने के लिए। बरसात जो है हो रही है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है घर पे लेते लेते, है ना, बोर होने लगता है मन, और इसलिए निकलते हैं। थोड़ा हमने सोचा बीच की तरफ घूम के आते हैं, क्योंकि करीब 25 दिन हो गए होंगे, 20 से 25 दिन बीच पे नहीं गए हूँ मैं। आज मन हुआ कि लाओ चलो घूम के आते हैं। कल नौकरी वोकरी जाना है, एक दिन की नौकरी है, फिर से छुट्टी दो दिन की। मजे है ऐसे बरसात में, वो बोलते हैं ना गीले में और गीला है, कंगाली में आटा गीला होता है, ठीक है ना, और गीले में और गीला हो रहा है यहाँ पे, तो यही है। अभी निकल पड़े हैं घर से बीच के लिए, और माहौल देख रहे हो का माहौल देखो, ये भाई साहब पानी भरा हुआ है यहाँ पे। सामने मीरासोल वाटर पार्क का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो, और ये रोड का नज़ारा है। कुछ पानी जो है बंद नहीं है, बूंदाबांदी हल्का हल्का हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है पूरा मौसम जो है बदला सा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ जो है जानवर हैं घूम रहे हैं, तो यहाँ पे गाय वगैरह जो है ऐसे ही घूमा करती है यहाँ पे। फिलहाल इनका जो है चारा तैयार हो गया है गायों का है। वैसे दमन में इनके लिए कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का इतना इंतजाम हो रहा है, लोग रहते हैं खिलाते रहते हैं, है ना। अब इसमें धान की नहीं होगी, अभी कल इसको जो है सोच रहे हैं कि जुतवा दें, इसमें धान लगवा दें सही रहेगा ना, इसमें धान लगवा देते हैं और उसमें दूसरा कुछ लगवा देते हैं, है ना। तो यही है, ये देखो रूम वगैरह हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे रूम वगैरह बहुत सारे लोग बोले थे रूम वगैरह का, तो रूम वगैरह का ऐसा है सिस्टम, रूम वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन बरसात में अभी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि डिपॉजिट तो जमा करना ही पड़ेगा। बस दिक्कत ये होती है कि लोग बरसात के समय कम छोड़ते हैं, क्योंकि सामान ले जाने आने में दिक्कत रहता है। जहाँ पे रहते हैं वहीं पे मतलब रखते हैं कि एक जगह पे स्थगित, क्योंकि 3 महीने जो है बारिश लगातार होती रहती है, तो पानी में कौन इधर से उधर करेगा। जब चेंज करेंगे तो बरसात जब थमेगी इसके बाद ही, तो रूम वूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बरसात के समय में, क्योंकि कम ही लोग जो है रूम छोड़ के जाते हैं तो बरसात के बाद जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो नज़ारा जो है हरा भरा है चारों तरफ का, और शांत माहौल है बिल्कुल एकदम, क्योंकि बारिश जो है थम गई है, तो लोग जो है अभी निकले हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। और यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब, काफ़ी मस्त नज़ारा लग रहा है, हल्की हल्की जो घास है वो आ चुकी है। और बहुत सारे लोगों को बोला था कि जो यहाँ पे रोड पे लाइट लगने वाली है, तो काम जो है काफ़ी हद तक हो गया है। जब लाइन है वो बिछ गई थी, भी बीच में जो है पाइप वगैरह बिछे हैं करीब एक सप्ताह पहले। तो चलते चलते आ गए हैं मीरासोल के बिल्कुल पास में, माहौल कुछ ऐसा है, देख रहे हो पानी वगैरह जो है अच्छा, वाटरफॉल बना रखा है, और पूरा बंद पड़ा हुआ है ये, क्योंकि बरसात की वजह से लोग आ ही नहीं रहे, आएंगे क्या बरसात में, क्या करेंगे आके, यहाँ पे सारा कुछ बंद है। कुछ लोग आते हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, या फिर ऐसा कुछ चाय वगैरह पीने के लिए, बाकी वैसे नहीं आ रहे कि हाँ घूमने के उद्देश्य से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। बिल्कुल स्थगित हो चुका है, बरसात है उसकी वजह से ज़्यादा लोग आते ही नहीं घूमने के लिए, इसलिए पूरा जो है बंदी दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से जो है मीरासोल की तरफ का व्यू वगैरह, और बरसात की वजह से आप माहौल देख सकते हो बिल्कुल बदला सा लग रहा होगा, क्योंकि पेड़ों में जो है बिल्कुल एकदम रौनक सी आ गई, बिल्कुल हरे भरे पेड़ जो है वो दिख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल माहौल जो है चेंज सा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से चारों तरफ का जो माहौल है बिल्कुल एकदम बदला सा लग रहा है, पूरा जो है हरियाली आ गई, देख रहे हो ये कुछ इस तरह से। और सामने जस्ट बीच है, पहुँच ही रहे हैं, बस यहाँ से 5 मिनट का फासला है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और इधर पे जो है पानी देख रहे हो उतनी तेज हुआ है कि ये देखो पूरा जो है डूबा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये जो है इधर पे थोड़ा जंगल टाइप में है, और जस्ट पानी फिर से शुरू हो गया, देख रहे हो बूंदे जो है वो गिरने लगी। गौतम भाई पीछे ही रुक गए, क्योंकि विकास भाई मिलने के लिए आ रहे हैं उनसे, इसलिए वो जो है वहीं पर रुक गए। तो हमने कहा चलो हम तो चलते हैं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो उतनी अच्छी क्लियरिटी भी नहीं आ पाती है, इसलिए हम जो है फटाफट से चल रहे हैं बीच पे। और माहौल वगैरह जो है खतरनाक लगता है, क्योंकि जो लहरें हैं ना उनकी जो आवाज़ है यहाँ तक आ रही है बहुत तेज़ी से। हाल अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल बीच के किनारे, और माहौल जो है बिल्कुल अल्टीमेट है भाई साहब, इतनी तेज़ हवा चल रही है कुछ कहीं को नहीं, और समुद्र का नज़ारा
भाई साहब इतना ही खतरनाक जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। शायद आवाज मेरी जो है कम आ रही होगी क्योंकि हवा जो है ना बहुत तेज आ रही है। ओ भाई माहौल देखो, ये पानी भर गया है इधर से पूरा जितना भी एरिया है। और बैक कैमरे से दिखाते हैं क्योंकि आवाज जो है ऐसे नहीं आ रही होगी माइक में लाने के लिए, ऐसा कि बरसात में माइक पे लेके ही नहीं आया। ये देखो, अरे भाई साहब लहरें जो है बहुत खतरनाक है। ये जो है पूरा देखो, जो पार्क था यानी कि जो यहाँ पे एरिया बना हुआ था पार्क का, पूरा डूब गया है। बरसात के समय समुद्र के किनारे जाने पे रिस्ट्रिक्शन रहता है, पुलिस वगैरह भी लगी रहती है यहाँ पे, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल चल रहे हैं देखो पास से दिखाने के लिए। तो फिलहाल बीच पे हैं हम अभी, और बीच पे जो माहौल है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लहरें आप देख सकते हो, लहरें जो है कितनी महंगा जो है रूप से धारण करने वाली हैं, क्योंकि साउंड जो है ना धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है लहरों का, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम जो है बिल्कुल ख़राब हो रखा है। सामने आप देख सकते हो मौसम जो है पूरा जो है ख़राब हो रखा है, क्योंकि जो साउंड है ना इस लहरों का, यानी कि जो लहरें इनका साउंड है, इनकी मदद से पता भी चल जाता है कि बरसात जो है कितनी तेज होने वाली है। तो जो साउंड है इतना तेज जो है बढ़ता चला जा रहा है, उससे अंदाज़ा लगता है कि बारिश जो है काफ़ी तेज़ होगी। वहाँ पे बारिश होने में लगी है, फिलहाल इधर पे हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो गिरने में लगी है, और माहौल जो है बिल्कुल ख़राब होता चला जा रहा है। गौतम भाई वहीं पे रुके थे, विकास भाई आ रहे हैं, उनका वेट करने लगे थे, तो हमने सोचा चलो चल के आपको दिखा देते हैं कि अभी माहौल कैसा है यहाँ का। तो बारिश आ चुकी है, और बारिश होने के समय देखो कुछ इस तरह से माहौल है। हल्की हल्की बारिश जो है हो रही है, उधर ज़्यादा तेज़ हो रही है, यहाँ पे भी धीरे धीरे आ गई देखो। और इसलिए जो है अभी क्या है, कैमरा हमको जो है बंद करना पड़ेगा, वरना हमारा मोबाइल जो है वो ख़राब हो जाएगा। लहरें जो है आवाज़ देख सकते हो, आवाज़ जो है बढ़ती चली जा रही है, और लहरें भी जो धीरे धीरे अपना जो है विकराल रूप जो है लेती चली जा रही है। तो फिलहाल बारिश जो है बढ़ गई है, और लहरें आप देख सकते हो, लहरें जो है लगातार जो है बढ़ती चली जा रही हैं, और दमनगंगा नदी जो है वो डूब गई है पूरी, जैसा कि न्यूज में मुझे पता चला। फिलहाल मैं उधर पे गया नहीं हूँ, हो सकता है कि शनिवार या रविवार को जाऊँगा। आज है बृहस्पतिवार है, और माहौल देखो भाई साहब ये है कुछ, और 7 तारीख है आज, और ये देखो कुछ इस तरह से। कल जॉब पे जाना पड़ेगा, कल जॉब है, इसके बाद शायद शनिवार रविवार छुट्टी रहेगा फिर से, तो वहाँ पर भी चल के आपको दिखाएंगे कि ऐसा क्या है। बारिश जो है हल्की हल्की होने लगती है, इसलिए हमको जो है यहाँ पे अंदर साइड पे आना पड़ जाता है। फिलहाल बारिश जो है हल्की हल्की थम गई है, और माहौल जो है बहुत ख़राब होता चला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि लहरें जो है वो अपना विकराल रूप लेती चली जा रही। तो फिलहाल ये कि यहाँ पे ट्राली खड़ी हुई है, यहाँ पे जो है सूखा कचरा वगैरह जो है उसके लिए, कि लोग जो है बाहर ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं। और ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से जो है यहाँ का पूरा नज़ारा दूर दूर तक देखने को मिल रहा है, और लहरों का साउंड आप एक बार सुन सकते हो, काफ़ी खतरनाक। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।